हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत लोगों ने हमसे ये पूछा है कि सर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर्स को और सेक्शंस को, आदेश को और धाराओं को कैसे हम याद करें। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जो हमें लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम सिर्फ ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 10 को समझेंगे। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम आपको इलेबोरेट करके नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कि आपको याद कैसे करनी है। और बहुत इजी है याद करना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे तो ये पता होना चाहिए आपको, एग्जामिनेशन देने के लिए, जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर 1 में क्या है, ऑर्डर 2 में क्या है, ऑर्डर 3 में क्या है। बिलीव करिए, सम टाइम वो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं और इस सेक्शन में क्या है, जैसे एविडेंस एक्ट का पूछ लेंगे कि रेस जस्टा का प्रोविजन किस में है, सीपीसी का पूछ लेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट किस ऑर्डर में है, तो आपको याद होना चाहिए। सम टाइम ऑर्डर के अंदर रूल में भी अंदर जाके पूछते हैं कि कौन से ऑर्डर में, किस रूल में ये प्रोविजंस है, है ना। जैसे कि एक्स पार्टी अगर ऑर्डर पास हुआ है, उसको आप उसके अगेंस्ट में अपील में फाइल कर सकते हैं, अपील या नहीं कर सकते। तो ये सब ऑर्डर रूल आप मेमोराइज रहेगा तभी आप कर पाएंगे। कॉन्सेप्चुअली हो सकता है आपकी क्लियर हो, आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि ये किस ऑर्डर में ये प्रोविजन है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन जो MCQ जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उससे आपकी क्लैरिटी आएगी। देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको ऐसे CPC में बहुत सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ जिसमें आपको हेल्प किया जाएगा कि आपको मेमोराइज कैसे करें चीज़ों को। देखिए, 1 by 1 ऑर्डर्स को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे उसमें है क्या और वो ऑर्डर क्यों उस जगह पे रखा गया है, उसके बाद क्या ऑर्डर्स आने चाहिए, तो आप खुद फील करिएगा कि हाँ ठीक है। जैसे ऑर्डर 1 में पार्टीज टू द सूट है, तो पहले आप मेमोराइज करिए कि ऑर्डर 1 में वो ऑर्डर 1 में पार्टीज टू द सूट है, यानी कि सूट में कौन कौन से पार्टीज होने चाहिए और कैसे चीज़ें होती है वो मेंशन है। दूसरा है फ्रेम ऑफ सूट्स के बारे में बताता है, यानी कि सूट को कैसे आपको फ्रेम करना है उसके बारे में ऑर्डर 2 बताता है। ऑर्डर 3 बताता है कि रिकग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स, यानी कि ऑर्डर 1 में हमने पढ़ा, आदेश 1 में हमने पढ़ा कि सूट में कौन कौन से पार्टीज होने चाहिए, प्लेंटिफ होना चाहिए, डिफेंडेंट होना चाहिए। और ऑर्डर 3 में आपको रिकग्नाइज एजेंट और प्लेडर्स के बारे में बताता है, यानी कि एक सूट में अगर प्लेंटिफ वादी चाहे तो अपने रिकग्नाइज एजेंट के थ्रू भी सूट दायर करवा सकता है, डिफेंडेंट चाहे तो अपनी प्लेडर्स को अपने रिकग्नाइज एजेंट की तरफ से वो लड़ सकता है केस को, वो ना आके पर्सनली अपेयर ना होकर अपने रिकग्नाइज एजेंट को भेज सकता है, प्लेडर को भेज सकता है। ये सब सारी बातें ऑर्डर 3 में बताई गई हैं। अब ऑर्डर 4 में आइए। ऑर्डर 4 में आपको मेंशन है, ये सब सारी बातें बता दी गई आपको कि ऑर्डर 1 में क्या है, 2 में क्या है, फ्रेम कैसे करना है सूट को, उसके बाद रिकग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स किसे कहते हैं। अब हम सूट दायर करने की बात कही गई है ऑर्डर 4 में, आदेश 4 में, यानी कि आप अपने वाद को दायर कैसे करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किसे कैसे करेंगे। उसमें सिर्फ दो रूल है उसमें, छोटा बहुत ही, ऑर्डर 4 जो बहुत ही छोटा है, ऑर्डर 4 बहुत ही छोटा है। उसमें इन्होंने बताया है कि भाई सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाई प्रेजेंटिंग द प्लेंट दायर करके, कोई सूट दायर कैसे किया था, प्लेंट वाद जो होता है, प्लेंट जो होता है उसे दायर करके, उसे आप ड्राफ्ट करोगे, उसे आप फाइल करके सूट इंस्टीट्यूट होता है, वो सब बातें बताई गई। अच्छा, एक बात बताइए, अब ऑर्डर 4 के बाद जब सूट दायर हो गया कोर्ट में, तो जज साहब क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रहेंगे, वो अपोजिट पार्टी को, यानी कि प्लेंट कौन फाइल करता है, प्लेंटिफ वादी, वादी ने जब अपने प्लेंट को दायर कर दिया तो कोर्ट साहब क्या करेंगे, जाहिर सी बात है दूसरे पक्ष को बुलाएंगे, दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, यानी कि डिफेंडेंट को बुलाएंगे। अब बुलाएंगे कैसे, समन इशू करके। तो ऑर्डर 5 में, अब ऑर्डर 5 में क्या चीज़ है कि इशू एंड सर्विस ऑफ समन, यानी कि समन का निकाला जाना और उसका उसकी तामील करना, ये ऑर्डर 5 में है। अच्छा चलो, समन भेज दिए गए। अब ऑर्डर 6 में क्या होना चाहिए, ऑर्डर 6 में एक्चुअली में प्लीडिंग जनरली के बारे में बताया गया, यानी कि प्लीडिंग्स के बारे में बताया गया। प्लीडिंग्स यानी कि आपको प्लीडिंग्स के रूल क्या होंगे, प्लीडिंग वेरीफाई कैसे किया जाएगा, प्लीडिंग में प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, ये सब सारी बातें बताई गई हैं ऑर्डर 6 में। उसके बाद क्या होता है, ऑर्डर 7 में प्लेंट के बारे में बताया गया। अब प्लेंट में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, देखिए वहाँ तो ऑर्डर 5 में, ऑर्डर 4 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बताया गया, ऑर्डर 5 में इशू एंड सर्विस ऑफ समन के बारे में बताया गया, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग जनरली के बारे में बताया गया, ऑर्डर 7 में क्या बताया गया है, प्लेंट के बारे में बताया गया। यानी कि प्लेंट के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, आप अपने प्लेंट में क्या क्या मेंशन करोगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पार्टीज के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, आपको दिक्कत क्या है, आपके इश्यूज क्या है, वो मेंशन होना चाहिए, किस कोर्ट में आप दायर कर रहे हो वो मेंशन होना चाहिए। हाउ यू हैव टू ड्राफ्ट द प्लेंट, वो ऑर्डर 7 में आपका है। अच्छा एक बात बताइए, अब प्लेंट हो गया, प्लेंट के बारे में बता दिया गया, अब ऑर्डर 8 में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ऑर्डर 8 में क्या होना चाहिए, ऑर्डर 8 में रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट फाइल हो गया उसके बाद
प्लेंट के बारे में बताया गया है। अब रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए प्लेंट के बारे में, फिर उसके बाद रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो ऑर्डर एक्ट एक्चुअली टॉक्स अबाउट रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन, सेट ऑफ एंड काउंटर के लिए, यानी कि डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट क्या क्या कंटेंट देगा, कैसे वो डिफेंड करेगा, पॉइंट वाइज वो लिखेगा, सेट ऑफ भी कर सकता है, काउंटर क्लेम भी कर सकता है, है ना। जो भी प्लेंट में जो भी क्लेम्स किए गए हैं डिफेंडेंट जो है उस रिटन स्टेटमेंट अपना बनाएगा कैसे, वो ऑर्डर एट में है, प्लेंट के बाद ये मेंशन है। फिर ऑर्डर नाइन में क्या है, अच्छा भाई प्लेंट फाइल हो गए, रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गए, अब ऑर्डर नाइन में क्या होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि पार्टीज दोनों आएगी, अपियर होगी, अपियरेंस ऑफ पार्टीज और एंड नॉन अपियरेंस ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर नॉन अपियरेंस, ये मेंशन है ऑर्डर नाइन में। तो आदेश नाइन ये बताता है कि पार्टीज कैसे अपियर होगी, प्लेंटिफ अपियर हुआ डिफेंडेंट नहीं अपियर हुआ तो क्या प्रोविजंस है, डिफेंडेंट मान लिया कोर्ट में उस दिन हियरिंग के डेट पे आया प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या प्रोविजंस है, दोनों नहीं आए उस दिन जिस दिन हियरिंग रखी गई कोर्ट ने रखी थी उस दिन नहीं आए दोनों तो क्या होगा, एक्स पार्टे डिक्री पास कब कब होता है, ये सब सारी बातें आपको ऑर्डर नाइन में अपियरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस में मिल जाएगा। अब ऑर्डर टेन में क्या होना चाहिए, अच्छा बताओ ऑर्डर नाइन में अपियर हो गई पार्टीज, दोनों पार्टीज मान लिया आ गई, अब ऑर्डर टेन में क्या होगा, जज साहब एग्जामिन करेंगे ना, एग्जामिन द कोर्ट विल एग्जामिन द पार्टीज। तो ऑर्डर टेन में आदेश दस में यही है कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट, ये आदेश टेन में है। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ आपको याद करने के लिए, ऑर्डर वन पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर टू फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर थ्री रिकग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स, ऑर्डर फोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, ऑर्डर फाइव इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, ऑर्डर सिक्स प्लीडिंग जनरली, ऑर्डर सेवन प्लेंट, ऑर्डर एट रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, ऑर्डर नाइन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, ऑर्डर टेन लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम लोग इसके ऑर्डर 11 से लेके ऑर्डर 20 तक हम बना देंगे, वो मेमोराइज आपको हो जाएगा ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।